हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तृप्तिस ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये चटपटा सा चाट आपको कैसा लग रहा है देख के ज़रूर बताइएगा। और ये है भांपो चाट, मतलब जिसको बॉयल करके हम लोग बनाते हैं विदाउट ऑयल, और कोई भी मसाला इसमें नहीं है, सिर्फ जीरा, धनिया और तेज़पत्ता इसमें मिलाया जाता है ग्राइंड करके। और ये है श्री जगन्नाथ पुरी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये जो वीडियो है, ये है पुरी जगन्नाथ का, और वहाँ पे ये भांपो चाट मिलता है। और ये है एक ओडिशा का फेमस आर्ट, जिसको हम लोग पटचित्र बोलते हैं। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो मैं गई थी जब पुरी, तो मैंने ये शूट कर लिया था आप सबको दिखाने के लिए कि वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं। और ये आर्ट तो बहुत ही सुंदर है गाइस, ये जो बॉटल वगैरह में बहुत सुंदर सा पेंटिंग किया हुआ है, इसको पटचित्र बोलते हैं उड़िया में। और ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। और ये मैं देख रही थी घर लाने के लिए, बट मुझे इससे थोड़ा बड़ा चाहिए था तो मैंने लाया नहीं। नेक्स्ट मैं कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर एक सुंदर सा जगन्नाथ जी का लेके आऊंगी। पहले भी मैं जब जाती थी तो मैं लेके आई हूँ, वो भी ब्लेस्ड किया हुआ है। मैं मंदिर के अंदर लेके उसको ब्लेसिंग करके मैं लाई थी, और वो अपने पूजा के घर पे है, मतलब जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे हमने स्थापना किया हुआ है। और ये देखिए गाइस, कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, ये फोटोग्राफ्स हैं। तो ज़रूर हमें बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए अभी हम देखते हैं कि भांपो चाट कैसे बनता है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलते हैं और उसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस, मैंने कभी इसे पहले ट्राई नहीं किया था, ये पहली बार मैं ट्राई की और मुझे तो इतना टेस्टी लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग जाएंगे तो कभी मिस मत करिएगा, इसे ज़रूर ज़रूर आप लोग ट्राई करिए, बहुत ही डिलीशियस है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस सा चाट बनता है, जिसका नाम है भांपो चाट। और ये जस्ट मंदिर का ये साइड वाला गेट है, दक्षिण के तरफ है ये। आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे तो ये भांपो चाट आप खा पाएंगे, बहुत ही यम्मी है, डिलीशियस है, और एकदम भी ऑयल नहीं है इसमें, तेल नहीं ना, पूरा ऑयल फ्री खाना है। अगर आपको ट्राई करना है तो पूरी में इस जगह पे आ सकते हैं, के बाद रात के टेंपल ऑफिस के बाद ये पास में ये मिलता है गाइस। कौन कौन पकीले? केवल मटर सीजा राग कुछ प्याज रसुण तेल कुछ नहीं पूरा इडली चीज पूरा कौन सी प्रकार जिनस पत्र ना मैंने तेल प्याज रसुण किसी ना सीझा मटर पा हाँ आपणकर सिक्रेट जिन कौन सी अच्छी की जोड़ा टेस्टी पूरा प्लेन ना सिक्रेट माने जो मसाला डा टेस्ट माने दिए केवल जीरा धनिया तेजपत्र आ कोन सी मसाला नै तेजपत्र माने सित्र पाउडर हिची हां पाउडर हिची जीरा धनिया तेजपत्र हां अद्दा दियंती आंबो अद्दा हां ना आंबो तो अलग है अच्छा तो कोन सी प्रकार ये नै मसाला नै प्याज नै तेल नै किछ नै। सो गाइज, ये ऑयल फ्री है और इसमें ऑयल नहीं होता है, बस इसको मटर को बॉयल कर किया जाता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा खट्टा पानी, मिर्च वगैरह और थोड़ा सा मसाला पाउडर, जीरा धनिया और तेज पत्ता, ये सब डाल के बस इसे बनाया जाता है। और आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।